मशहूर बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म गेब्बर का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि फिल्म की कहानी एक माजूर लड़की पर मरकूज है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने की ख्वाहिशमंद है। सीएमी खीर और अभिषेक बच्चन फिल्म में मरकजी किरदार अदा करेंगे। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक हाथ से माजूर लड़की के कोच का किरदार अदा कर रहे हैं। आर बाल्की ने न सिर्फ फिल्म का स्क्रिप्ट तहरीर किया है बल्कि डायरेक्शन भी की है। ट्रेलर में कुछ झलकियां लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार और अभिषेक बच्चन के वालिद की इस फिल्म में मौजूदगी का इशारा कर रही है। वाजह रहे कि शबाना आज़मी और उनगित बेदी दोनों आर बाल्की की फिल्म गेब्बर में अहम किरदार अदा करेंगे। फिल्म 18 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान अपनी शादी बचाने के लिए अपनी अहलिया फरियाल मखदूम के मेकअप के कारोबार में 1,00,000 पाउंड्स की सरमायाकारी कर रहे हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आमिर खान की जानिब से मॉडल समीरा को इश्तियाल अंगेज पैगामात भेजने का एतराफ़ किए जाने के बाद दोनों में सूले की राह हमवार हो गई है। ज़राए के मुताबिक बॉक्सर ने अपनी अहलिया फरियाल ब्यूटी एके कॉस्मेटिक कारोबार में 1,00,000 पाउंड्स की सरमायाकारी की पेशकश की है, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी शादी बचाने के लिए पुरअज़्म है। उनका मजीद कहना था कि आमिर खान अपनी अहलिया को ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि वो बदलने को तैयार हैं और माली तौर पर उनकी मदद करना चाहते हैं। आमिर खान ने अहलिया के कारोबार में सरमायाकारी करने के अलावा दुबई में अपने घर में नया स्विमिंग पूल भी बनवाया है और एक नई रेंज रोवर भी खरीदी है जिसे ये जोड़ा इस्तेमाल करेगा। ख्याल रहे कि आमिर खान की फरियाल मखदूम से शादी को 13 बरस हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे हैं जिनका नाम लामैसा, अलीना और मोहम्मद है। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के अहकामात के बाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इनके घर के अंदर से ही गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस की सिक्योरिटी टीम इमरान खान के वारंट लेकर इनकी रिहायशगाह जमान पार्क पहुंची, जहां हुकाम ने इमरान खान के सिक्योरिटी अफसरान को बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी आ गए हैं जिस पर इन्हें गिरफ्तार करना है। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने इमरान खान को घर के अंदर जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी अंदर गई और बाकी कैड बाहर ही मौजूद रहा। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान और इमरान खान के दरमियान कुछ देर बातचीत हुई, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी के वक्त की कोई मुजाहमत नहीं की। इनको घर से अंदर से ही गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस पर रास्ता ठोकर नियाज बेग इन्हें लेकर मोटरवे से इस्लामाबाद रवाना हुई। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की भारी नफरी को धर्मपुरा जेल रोड और माल रोड पर तैनात किया गया था, जबकि सामान पार्क के रास्ते भी बंद थे। इस दौरान कोई भी शख्स सामान पार्क में दाखिल नहीं हो सकता था। ज़राए का बताना है कि गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी इनके साथ थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया भी मौजूद थीं। इस दौरान 11 के करीब इमरान खान के जाती गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन इस दौरान कोई मुजाहमत देखने में नहीं आई। सिविल जज की अहलिया सोमिया के हाथों बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना की ऑक्सीजन हटा दी गई। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना को आईसीयू से निकालने का फैसला 2 रोज बाद किया जाएगा। रिजवाना को अभी ट्रिप्स लगाई जा रही हैं। प्रोफेसर जोदत सलीम के मुताबिक रिजवाना के खून में इन्फेक्शन काफ़ी कम हुआ है। इन्फेक्शन कम होने के बायस रिजवाना कुछ खा पी रही है। प्रोफेसर का कहना था कि रिजवाना के मिजाज में भी बेहतरी आई है, वो अब घबराती नहीं बातचीत भी कर रही है। ख्याल रहे कि सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजमत के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची कई रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। बच्ची रिजवाना ने चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को बताया था कि इन्हें बहुत ज्यादा मारा जाता था और तेजाब भी पिलाया जाता था। दूसरी जानब मुतासरा बच्ची की वालदा शमीम बीबी ने बताया कि जब बच्ची को अस्पताल लेकर आए तो जज के एक रिश्तेदार ने इनकी फोन पर बात करवाई, जिसमें जज ने कहा कि मेरी नौकरी का सवाल है, यहीं चुप कर जाओ, तुम्हें इंसाफ तो मिलना नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि मैं गरीब हूं लेकिन इंसाफ जरूर लेकर रहूंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए उमर फारूक जहूर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुरुस्त साबित हो गया। ट्विटर पर जारी एक बयान में उमर फारूक जहूर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन के मर्तकब करार पाए।
अदालत ने मेरा मौकिफ दुरुस्त तस्लीम कर लिया कि चेयरमैन पीटीआई ने 20 लाख डॉलर्स में मुझे घड़ी फरोख्त की। उमर फारूक जहूर का कहना है कि अदालत ने मेरा मौकिफ दुरुस्त तस्लीम कर लिया कि घड़ी फरा गोगी के जरिए दुबई में बेची गई। उन्होंने कहा कि अदालत और शवाहिद से मेरे मौकिफ की तस्दीक हुई। वाज़ेह रहे कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फैमिली ज़राए के मुताबिक पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से इनकी रिहाइश गाह जमान पार्क से गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा था। समाअत के आगाज पर जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या कोई पीटीआई की जानिब से वकील आया है। जज की जानिब से तोशाखाना केस मुत्तहिद बार कॉल किया गया। पीटीआई की जानिब से किसी के पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेर व शायरी ही सुना दें।